दो मुंह वाले सांपों का वास्तव में दो मुंह से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इस सांप की पूंछ की बनावट ऐसी होती है कि ऐसा लगता है मानो वहां पर भी इसका दूसरा मुंह है। खतरा होने पर ये सांप अपनी पूंछ को अपने मुंह की तरह हवा में खड़ा कर लेता है। इसके चलते इस सांप को दो मुंह वाला कहा जाता है। इस सांप को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई मिथक प्रचलित हैं, जिनके चलते इस सांप के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत सरकार ने इस सांप को बचाने के लिए 1972 में अन्य 5 जीवों के साथ इसे भी संरक्षित जीव में रखा है। मध्य एशिया के कुछ देशों में ऐसी मान्यता है कि दो मुंह वाले सांप का मांस खाने से व्यक्तियों की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ आदिवासी कबीलों की ऐसी मान्यता है कि इस सांप से सर्वशक्तिमान ईश्वरीय ताकत को भी अपने नियंत्रण में किया जा सकता है। यह सांप भारत से ईरान और पाकिस्तान में भी खाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक शर्मीला सांप है जो रेतीली मिट्टी में पाया जाता है और इसे रेड सैंड बोआ के नाम से जाना जाता है। इस सांप से इंसानों को कोई वैसा खतरा नहीं है और यह सांप ना के बराबर जहरीला होता है। सांप की इतनी सारी कहानियां और मिथक प्रचलित हैं कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 3 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सांप अपनी पूंछ की तरफ से बिल खोदकर उसमें प्रवेश करता है, जिसके कारण कई बार लोगों को धोखा हो जाता है कि इसके दो मुंह होते हैं, लेकिन वास्तव में इसका मुंह एक ही होता है। फिर भी इसे दो मुंह वाले सांप के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें, कभी कभी सच में कुछ सांप ऐसे भी हो जाते हैं जिनके दो मुंह होते हैं और एक शरीर होता है, लेकिन इस तरह के सांपों की कोई विशेष प्रजाति नहीं होती है। यह एक तरह की बीमारी होती है जो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण एक शरीर पर दो मुंह निकल आते हैं, जिसके कारण कभी कभी इन सांपों का पहला मुंह दूसरे मुंह को खाने का प्रयास करता है और दूसरा मुंह पहले मुंह को खाने का प्रयास करता है। इस तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर की बीमारी इन सांपों के अलावा कई और तरह के जीवों में भी देखी जा सकती है, जिनका एक शरीर में दो मुंह निकल आते हैं। हालांकि ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी ऐसा कोई केस दिखता है तो इंसान शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बता दें, यह जेनेटिक डिसऑर्डर की एक बीमारी है। तो दोस्तों, यह था सांप के दो मुंह होने का रहस्य। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।